पिछले 2 महीने से मैंने हर रोज अंडे खाना स्टार्ट किया है एंड मैं हर रोज 10 अंडे खाता हूँ। लेकिन जब मैंने 10 अंडे खाना स्टार्ट किया था तो फिर उससे पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि एग्जैक्टली हम पूरे दिन में कितने अंडे खा सकते हैं। एंड ये भी एक चीज चल रही थी इंटरनेट पर, एंड जब भी आप अंडे खाना स्टार्ट करते हो तो फिर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता ही है कि अगर मैं हर रोज 5 से ज़्यादा अंडे खाऊंगा तो फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है एंड वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो क्या मैं 5 अंडे या तो फिर 5 से ज़्यादा अंडे खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। इसका आंसर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि अगर आप अलग अलग यूट्यूब वीडियोज देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हर एक साइंटिस्ट एंड हर एक फिटनेस यूट्यूबर, हर एक रैंडम यूट्यूबर, ये तीनों कैटेगरी बन चुकी है यूट्यूब पर एंड सब लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अंडे खाएंगे तो फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड सैचुरेटेड फैट एंड बहुत सारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी हार्ट हेल्थ को नुकसान हो सकता है। एंड कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग पूरे दिन में 15 अंडे भी खा सकते हैं एंड उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनरली वो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि कैटेगरीज बनने लगी है यूट्यूब पर कि कुछ लोग कोई अलग ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं एंड कुछ लोग कुछ अलग ही बोल रहे हैं। सो डिसाइड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमें एग्जैक्टली कौन सी ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए। वेल, मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च की एंड फिर मुझे पता चला कि हम लोग पूरे दिन में 2 से 6 अंडे, लाइक लिटरली हम लोग मैक्सिमम पूरे दिन में अगर 6 अंडे खाएंगे तो फिर उससे 0 नुकसान होगा, 6 अंडों का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। एग योक्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बात सही है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के अंदर नहीं जा पाता एंड हमारी बॉडी को या तो फिर हमारे हार्ट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। सो अगर आपको 6 अंडे हर रोज खाने हैं तो फिर उससे आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं देखेंगे। अब मेन बात यहाँ पर आती है कि क्या हम लोग 10 अंडे खा सकते हैं। कोई भी स्टडी ऐसी नहीं की गई है कि हम लोग 10 अंडे खा सकते हैं और 15 अंडे अगर हम लोग हर रोज कंज्यूम करेंगे तो फिर उससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्टडीज इसके ऊपर की है कि हम लोग मैक्सिमम 6 अंडे खा सकते हैं एंड उसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं हर रोज ये तो फिर क्या उससे मेरे हार्ट को कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। इनडायरेक्टली ऐसा बोला है कि हाँ, अगर हम लोग 10 अंडे खाएंगे पूरे दिन में तो फिर उससे हमें 0 साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अलग अलग फूड से प्रोटीन टेक कंप्लीट करने की ट्राई करें। हम लोगों को 10 अंडे खाने की जगह पर डिफरेंट सोर्सेज ऐड करने चाहिए अपने डाइट में जिससे हम अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकें। एंड ये बात 100% सही है। आपको अपने पूरे डाइट में जो प्रोटीन इंटेक हो वो सिर्फ अंडों से कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दूसरी चीजें भी ऐड करनी चाहिए, फिर चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो। सो अगर इसका आंसर मैं शॉर्ट में दूँ तो फिर हाँ, आप पूरे दिन में 10 अंडे खा सकते हो एंड इसके 0 साइड इफेक्ट्स है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सो अगर आपको किसी भी तरह का नुकसान हो 6 अंडे खाने से भी तो भी आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हो एंड अपने एक बार ब्लड रिपोर्ट निकाल सकते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे दिन में 6 अंडे भी नहीं खा सकते एंड अगर वो खाते हैं तो फिर उनको किसी तरह की एलर्जीज होने लगती है और पिंपल्स होने लगता है। इस रीजन की वजह से अगर आपको भी कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स दिखे 6 अंडे खाने से तो फिर आप अपने डॉक्टर को एक बार दिखा सकते हो। सीटेड रेडल फ्लाइज मेरी वन ऑफ द सबसे मोस्ट फेवरेट रेडल की एक्सरसाइज है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है वो है रिवर्स पैकडेक फ्लाइज, वो एक्सरसाइज भी मुझे बहुत पसंद है एंड आज के दिन में हम लोग उस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करने वाला है क्योंकि रेडल्ट मेरा एक लैकिंग मसल ग्रुप है। क्योंकि जब भी मैं अपने बाइसेप्स एंड शोल्डर को साइड से फ्लैक्स करता हूँ सो कैमरा मेरे बाइसेप्स एंड शोल्डर को जब भी कैप्चर करता है तब ये सेपरेटली दिखाई देता है कि मेरा रेयर डेल्ट इतना डेवलप्ड नहीं है, जबकि मेरे फ्रंट डेल्ट एंड मेरे मिडल डेल्ट्स नॉर्मल अमाउंट में डेवलप हो चुके हैं। वो बहुत ओवर डेवलप भी नहीं है, लेकिन मेरे जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स है वो थोड़े से ज़्यादा ओवर डेवलप लगते हैं इन कंपेरिजन टू माई शोल्डर्स। लेकिन उसमें भी कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मेरे शोल्डर्स भी ठीक ठाक है, बस मेरा जो रेडल का पार्ट है उसमें ही थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है जब भी हम लोग मेरे हाथों को साइड में से देखते हैं। वो थोड़ा सा छोटा दिखता है जिसकी वजह से एस्थेटिक नहीं लगता इतना। यही एक मेन रीजन है कि क्यों मैं करंटली अभी मेरे रेडल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड अगर आपके भी शोल्डर्स में कोई एक ऐसा पार्ट है जो ज्यादा लैकिंग है तो फिर उसको भी आप 2 बार ट्रेन कर सकते हो एंड फ्रंट डेल्ट को आप स्कीप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मिडल डेल्ट इतने ताकतवर नहीं है तो फिर
आप अपने फ्रंट डल्स की एक्सरसाइज को रिप्लेस करके कोई मिडल डल्स की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो एंड उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम लोग प्रेसेस लगाते हैं उसमें हम लोग अपने फ्रंट डल्स को थोड़ा सा ट्रेन कर देते हैं। सो अगर आप 2 हफ्तों में सिर्फ एक बार अपने फ्रंट डल्स को ट्रेन करोगे तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मिडल डल्स के लिए हम लोग इंक्लाइन बेंच लैटर रेजेस परफॉर्म कर रहे हैं एंड ये एक्सरसाइज सचमुच में बहुत ही कमाल की है। लैटर रेजेस भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इंक्लाइन बेंच थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आपको स्विंग चाहिए होता है हाथों को ऊपर लाने के लिए, वो स्विंग आप लोग नहीं ले सकते एंड आप एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन में होते हो, जिसकी वजह से आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। आपको प्योरली अपने शोल्डर्स को ही वर्क देना पड़ता है एंड आप कोई भी और स्विंग नहीं ले सकते, जो बहुत अच्छी बात है। ये जो आप सेट देख रहे हो ये मेरा लास्ट सेट है एंड मैं बहुत एग्रेसिवली इस सेट को परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत अच्छा पंप आ रहा था। इसलिए ही मैंने पहले रेड डल की एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद लैटर रेजेस किए जो मिडल डल की एक्सरसाइज है एंड फिर इसके बाद मैं रिवर्स पैक डेक फ्लाइज करने वाला हूँ। अगर मैं ऑप्टिमली अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने वाला होता तो फिर मैं दोनों एक्सरसाइज मेरी जो पहली होती वो रेड डल्स के लिए ही होती एंड मैं इस तरह से मिडल डल्ट की एक्सरसाइज बीच में ऐड नहीं करता। लेकिन मैंने मिडल डल्ट पहले ट्रेन कर दिया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही मन था लैटर रेजेस परफॉर्म करने का, क्योंकि पंप बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मुझे बस मिस आउट नहीं करना था इस पंप को। एंड अगर मैं वापस डायरेक्टली सीटेड रेड डल्ट फ्लाइज लगाने के बाद अगर मैं रिवर्स पैक डेक फ्लाइज लगाता तो फिर चांसेस ऐसा होते कि मेरा पंप थोड़ा डिक्रीज हो जाता एंड इतना ताकत वाला पंप नहीं मैं फील कर पाता, क्योंकि मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम हो जाती एंड मेरा ग्लाइकोजन स्टोर्स भी थोड़ा सा एम्प्टी हो जाता है। सो बिकॉज मुझे ज़्यादा अच्छा पंप चाहिए था इसलिए मैंने मिडल डल की एक्सरसाइज बीच में घुसा दी। अगर आपको भी इस तरह से कुछ चेंजेस करने हो, कोई एक एक्सरसाइज को पहले ले लेनी हो, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी ऐसा कर सकते हो। याद रखना कि जिम में अगर आप वर्कआउट करते हो एंड आप हर रोज़ ट्रेनिंग करते हो, पूरे हफ्ते में अगर आप 6 दिन जिम जाते हो, हर बार फेलियर तक ट्रेन करते हो, आपने अपना डाइट भी 100% लाइक 95% ऑफ द टाइम अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, तो फिर अगर आपको थोड़े से ऐसा चेंजेस करना हो जिसमें दूसरे लोग ऐसा शायद बोल सकते हैं कि वो ऑप्टिमम नहीं है, लेकिन अगर आपको वो वर्कआउट परफॉर्म करने में मज़ा आ रहा हो तो फिर आप ऐसे छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो एंड इससे आपकी प्रोग्रेस हिंडर नहीं होने वाले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूरी है कि हम लोग जिम में मसल्स बनाने के साथ साथ जो फन होता है हर रोज़ जिम करने का, मसल्स बनाने का, गाने सुनते सुनते वर्कआउट करने का, इस मज़े को हम लोग मिस आउट ना करें एंड स्ट्रिक्टली एक बोरिंग वर्कआउट रूटीन फॉलो ना करें जो हमें ज़बरदस्ती करना पड़े। ये ज़रूरी है कि हम लोग अगर हर रोज़ जिम जाते हैं, हमारी बाकी सारी चीज़ें अगर हम लोग प्रॉपर रखने की ट्राई कर रहे हैं, तो फिर कभी कभी हमें अपने आप को ऐसा चांस देना चाहिए कि जब हम लोग साइंटिफिक वे में शायद अच्छे से ट्रेन ना कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट हमें मज़ा आ रहा है एंड हम लोग इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं जिस तरह से हमें एक्चुअल में ट्रेन करना है। सोने से पहले मैं मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल एंड अश्वगंधा, ये तीनों चीज़ें लेकर सोता हूँ ताकि मैं मेक श्योर कर पाऊँ कि मैं जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स अपने डाइट से कंप्लीट नहीं कर पाता, वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं इन सप्लीमेंट्स से कंप्लीट कर पाऊँ। अश्वगंधा का नाम आपने सुना ही होगा, मैं मसल बेस की अश्वगंधा यूज़ करता हूँ एंड इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर अपनी लाइफ में ज़्यादा पर्पसफुल फील नहीं होता एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कभी भी किसी भी तरह का मोटिवेशन रहता ही नहीं है कोई भी अच्छी चीज़ करने का, तो फिर अश्वगंधा उस केस में बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है एंड पूरे दिन में आपको नींद ही आती रहती है, जिसके पीछे का मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप रात को अच्छे से सोते नहीं हो एंड आपकी स्लीप बार बार ब्रेक हो जाती है, तो फिर आपके स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी अश्वगंधा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हर रात को मैं सोने से पहले इसके 2 टैबलेट्स लेता हूँ। कुछ लोग एक टैबलेट लेता है क्योंकि इसकी एक टैबलेट 500 mg की है एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए 500 mg मोर देन इनफ है, लेकिन अगर मैं 1 ग्राम अश्वगंधा कंज्यूम करता हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। एंड अगर आपको भी 2 कैप्सूल लेनी है तो फिर आप ले सकते हो, लेकिन शुरुआत 1 कैप्सूल से करना। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, सो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं दिखने वाला है। लेकिन अश्वगंधा का एक जो सबसे मोस्ट फेमस बेनिफिट है वो ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, लेकिन इसके अंदर एक कैच है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं रहता। अश्वगंधा डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट नहीं करता। मान लीजिए कि पिछले 1 हफ्ते से आप कोई मैरिज में हो जिसकी वजह से आप अपना डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो एंड कभी कभी आप कैलोरी डेफिशिट में होते हो और कभी कभी आप बल्किंग कर रहे होते हो ज़्यादा फास्ट फूड खाने से। एंड अगर मान लीजिए कि आप एक सीरियस बॉडी बिल्डिंग की जर्नी के ऊपर हो एंड आप कट कर रहे हो, तो इन सारी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाती है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज हो सकते हैं। जो भी नॉर्मल रेंज में आपके टेस्टोस्टेरोन रहते हैं जब आप अच्छा डाइट एंड अच्छा वर्कआउट एंड सारी चीज़ें प्रॉपर वे में फॉलो करते हो, तो वो एक नॉर्मल रेंज होती है जिसमें आपके टेस्टोस्टेरोन रहते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ छोटी सी गलती कर देते हो, लाइक आप अपनी स्लीप अच्छे नहीं रखते हो, तो फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज होने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज अश्वगंधा लेते होंगे तो फिर ये आपकी मदद कर सकता है कि वो जो भी टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होते हैं आपके, कभी कभी ऐसी चीज़ें कभी भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के साथ नहीं होगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ बुरी होने से पहले हम लोग पहले ही उसे रोक दे ताकि हमारी जो मसल बिल्डिंग की जर्नी है ये जितनी हो सके उतनी ज्यादा स्मूथ चल पाए। मैं मसल बेस की अश्वगंधा यूज करता हूँ एंड अगर आपको भी अश्वगंधा चाहिए तो फिर इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर प्रेम MB कोड यूज करना मत भूलना। ये एक और बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि क्या हमें अंडों को कच्चा खाना चाहिए या उनको बेक करके खाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग बेक करते हैं या तो फिर कुक करते हैं गैस के ऊपर रख कर, तो फिर इसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो फिर आपको बेक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। अगर आप बेक नहीं करते हो तो फिर अपनी बॉडी को रिस्ट्रेन कर रहे हो सारा प्रोटीन डाइजेस्ट करने से। सो अगर आप अनबॉइल्ड खाते हो, कच्चे अंडे खाते हो, तो फिर आपकी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है एंड प्रोबेबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाती है कि एक अंडे के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है वो सारा प्रोटीन आप डाइजेस्ट कर पाओगे। सो अगर आपको इस अंडे के अंदर जितना भी प्रोटीन मिलता है वो सारा का सारा प्रोटीन चाहिए एंड कोई बीमारी नहीं चाहिए, तो फिर ये भी शायद आपको अंडों को कुक करके खाना चाहिए। और दूसरा फेमस क्वेश्चन ये है कि मैं कुक किस तरह से करना चाहिए, क्या बॉयल करके हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या हमें इसका आमलेट बनाना होगा। तो फिर उसका भी कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप बॉयल भी कर सकते हो, आमलेट भी बना सकते हो या कोई और डिश भी बना सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गैस पर रख अंडों के साथ क्या कर रहे हो। सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि किसी ना किसी तरह से आपको अंडों को कुक करना है, क्योंकि अगर आप कुक नहीं करोगे तो फिर इसका एक जो मेन साइड इफेक्ट है कच्चे अंडों में ये होता है कि एक तरह की डिसीज हो जाती है आप लोगों को, जिस डिसीज से आप 4-5 दिन में ठीक हो सकते हो, लेकिन आपको क्यों वो डिसीज चाहिए। एंड फर्स्ट प्लेस पर जो कच्चे अंडे होते हैं उसका स्वाद भी कुछ ज़्यादा ही बेकार आता है। सो आपको क्यों कच्चे अंडे खाना है, इसलिए ज़्यादा जिद मत करना एंड अंडों को किसी ना किसी तरह से कुक करके खाना। एंड आज हम लोग थोड़ा सा स्पेशल वे में अपने अंडों को कुक करने वाला हम। नॉर्मली जब भी मैं अंडों को बॉयल करता था तब मैं हमेशा घी का यूज़ करता था, लेकिन आज हम लोग बटर को यूज़ करने वाला है। जस्ट बिकॉज आज मुझे सिर्फ देखना था कि अगर मैं घी को रिप्लेस करके बटर के साथ अपने अंडों को बेक करता हूँ तो फिर क्या डिफरेंस आता है एंड स्वाद में कैसा लगता है अगर हम बटर के अंदर आमलेट बनाते हैं। तो बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो कि आपको कितने अंडे खाने चाहिए तो फिर मैं रिकमेंड 5 to 6 ही करूँगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप भी हर रोज़ 10 या 15 अंडे खाओ। अगर आप ज़्यादा अलग अलग तरह के फूड्स इनटेक करते हो एंड
प्रोटीन को अलग अलग जगह से लेने की ट्राई करते हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे डायट में कैच यही है कि या तो मुझे अंडों से प्रोटीन लेना है या तो फिर मुझे 5 अंडों को रिप्लेस करके सोया चंक्स खाने होंगे, एंड मुझे सोया चंक्स खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनका स्वाद भी बेकार है एंड उनके अंदर जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है सोया चंक्स के अंदर वो भी थोड़ी सी कम होती है, एंड मुझे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए। एंड अगर आप चिकन भी हर रोज़ खा सकते हो तो फिर 10 अंडे खाने का क्वेश्चन आपके मन में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप चिकन खा सकते हो। मैं अगर चिकन खाता होता तो फिर मैं भी 10 अंडे पूरे दिन में ना खाता एंड 5 अंडों की जगह पर या तो फिर 6-7 अंडों की जगह पर मैं चिकन को ही खाता क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। एंड जब भी आप अपने पूरे डाइट में स्प्रेड आउट कर देते हो प्रोटीन सोर्सेज को तो फिर वो एक बहुत अच्छी बात है एंड आपको ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलने की संभावना भी इंक्रीज हो जाती है। हम लोग बेक भी बटर के अंदर करने वाला है एंड हाँ मैंने ये डब्बे में रखा है क्योंकि मेरे घर में फ्रिज नहीं है। हम लोग ले लेंगे कभी फ्रिज, बस फिलहाल के लिए हमें कुछ खास नीड नहीं है इसलिए हम लोग थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं उसको। आई थिंक स्वाद में कुछ खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए लेकिन मैं फिर भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ कि स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो क्योंकि ये बटर है, बटर एंड घी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए एंड बटर का स्वाद थोड़ा ज़्यादा मीठा आता है। अब एक और प्रॉब्लम ये हुई है कि आज के दिन में मैं अपनी 100 कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाया। मुझे वॉकिंग करनी थी लेकिन फिर कुछ काम आ गया एंड फिर जिम से हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा। सो आज की 100 कैलोरीज हम लोगों को कल बर्न करनी होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर दूंगा क्योंकि कल लेग डे नहीं है, कल शायद चेस्ट डे है। हाँ कल चेस्ट डे है। सो 30 मिनट तक वॉक करना लाइक मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन अपनी ये जो बल की हमारी जर्नी है इसको हम लोग परफेक्ट रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ओके सो अब हम फाइनली इसको देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा आता है, क्या हमारे घी वाले आमलेट से ज़्यादा अच्छा आता है या नहीं आता। मैंने इसके अंदर मैगी मसाला भी थोड़ा कम डाला है क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं लग रही थी। इसके स्वाद में डिफरेंस है लेकिन इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है कि मैं हर रोज़ बटर लाकर इसके अंदर डालूं। लाइक ऑफकोर्स अगर आप घी की जगह पर बटर यूज़ करोगे तो फिर बटर का अलग से थोड़ा सा स्वाद आता है एंड ऊपर से मैंने अलग से भी इसके ऊपर बटर स्प्रेड किया था सो बटर का स्वाद तो आ रहा लेकिन यही है कि कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है।